बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों आज हम मौजूद हैं कोजी शहर जो कि ठट्ठा से 14 किलोमीटर पहले हैं। तो यहां पे एक टमाटर की बहुत बड़ी मार्केट है, तो हमने सोचा यहां के एक छोटे से रिव्यू लिया जाए। तो हमारे साथ मौजूद है हाशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी हाशिम साहब, क्या हाल है? खैरियत। अच्छा हाशिम साहब, पहले इस मार्केट के बारे में बताएं, ये टमाटर जो इतना बड़ा आपने सेटअप किया हुआ है जी, मतलब कि कहाँ कहाँ से टमाटर आते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई होते हैं? जी ये अंदरूनी सिंध से आते हैं, जैसे कि मकामी टमाटर जो ज़िम्मेदार है उनसे हम लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसको हम या अल्लाह के मुख्तलिफ बीज होते हैं उसको अलग अलग उतारते हैं। ठीक है, फिर उसको भरते हैं फेटियों में, तो उस पर अलग अलग मार्के लगते हैं। ठीक है, कोई बीज ऐसा होता है जो आपको दूर की पहुँच दे सकते हैं, उसकी टाइमिंग अच्छी होती है। ठीक है, कोई ऐसा बीज भी होता है जो आपको दूर की पहुँच नहीं दे सकते, जैसे पिंडी इस्लामाबाद आप नहीं ले जा सकते, वो रास्ते में ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको फिर करीब करीब बेचते हैं, तो उस पर अलग अलग मार्के लगाते हैं, फिर उसको लोड करके आल पाकिस्तान इस्लामाबाद। टमाटर ख़राब है तो ये तो दो कुछ दिनों के अंदर ये तो लाल सुख हो जाता है, उसके बाद ख़राब होने चले जाते हैं। इसमें ऐसे बीज है जिसको आप दो तीन दिन तक इसको रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, और ऐसे बीज भी जो एक दो दिन तक चल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छे टमाटर कितने एक्साम के हैं ये? इनकी एक्साम होती है ना? एक्साम इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ जो आते हैं 5-6 एक्साम हमारे यहाँ इधर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कियारा, टाइगो, डीफी, 1057, 8042। ठीक है, मुख्तलिफ उसकी अपनी क्वालिटी है। अच्छा, तो सबसे अच्छा क्वालिटी फ़िलहाल कियारा है जो आपको ज़्यादा टाइमिंग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो आपको एवरेज कम देगा, यानी कि आप ठीक है लगाएंगे वो एकड़ से कम एवरेज आएगा। ठीक है, और डीपी और टाइगो इसका एवरेज ज़्यादा होगा लेकिन इसका टाइमिंग कम होगा। ये आप अच्छा ठीक अच्छा चलें, इस गाड़ी के पास से उतर रहे हैं तो वहाँ माल दिखाते हैं। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। अच्छा जैसे दोस्तों देख सकते हैं ये टमाटर थोड़ा कच्चा है, लेकिन ये आगे जाके पकने शुरू हो गए थे। तो ये कौन से किस्म के? ये पूरी सुजुकी किस तरह आप लोग ले रहे होते हैं? ये इसको बीज को ट्राई गुड कहा जाता है। अच्छा, ये मौजूदा मौसम में ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये गर्मी का नहीं है। अच्छा, हाँ अभी इसको हम उतार रहे हैं, लेकिन इसको कच्चा उतारते हैं ऐसा। अच्छा, थोड़ा सा भी लाल हो तो हम इसको नहीं उतारते, फिर ये आगे नहीं पहुँच सकते। जो सुजुकी है आप जी, सुजुकी जैसे उतर रही है, ये कितने की आप लोग परचेज कर रहे हैं? सर ये हम 65 किलो लेते हैं, जिसको गार्डर कहा जाता है। अच्छा, 65 किलो के हिसाब से लेते हैं ज़िम्मेदारों से। वो मुख्तलिफ रेट होते हैं, हर रोज़ का नया नया रेट होता है, जैसे आगे मार्केट होता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम भी लेते हैं। अगर आगे मार्केट उठेगा उसका रेट अच्छा होगा तो हम भी यहाँ पे। आज जैसे 65 किलो के हिसाब से जो आप लोग दे रहे हैं, क्या पैसे उनसे कितने का उठा रहे हैं आप? हम उनसे उठा रहे हैं 500 रुपये गार्डर, 65 किलो 500 का ले रहे हैं। ठीक है, 500 रुपये रेट यही है। ठीक, 65 किलो आप लेते हैं 500 रुपये में। ठीक है, और आगे कितने तक निकल जाते हैं? ये हम पेटी बनाते हैं, फिर उसके 65 किलो की हम 4 पेटी बनाते हैं, फिर उसको अच्छा बेचते हैं। जहाँ मार्केट अच्छा होगा तो अच्छे रेट से बिकेंगे। ठीक है, चलिए आगे पेटी की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे बना रहे हैं। आइए नाज़िर, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर, इसमें चांटे होते हैं। जो अच्छा माल होता है उसको हम पेटी में भरते हैं। अच्छा, जो कमज़ोर माल होता है इसको हम अलग करते हैं। अच्छा, इसके कितने किलो की पेटी है? ये 16-17 किलो, 16-17 किलो की पेटी है। तो अभी अगर कोई पेटी मिसाल कोई परचेज़ करते हो तो कितने की पूरी जाती है ये पेटी जी? ये मार्केट उसका बोली होता है मार्केट में। अच्छा, बोली होता है हर रोज़ का अपने। ठीक है, अच्छा आगे चलें, और क्या दिखा रहे हैं आप? ये अलग एग्जाम है, वो अलग एग्जाम? ये दोनों एक ही है, एक ही सेम है। ठीक, चलें कोई हमें कोई डिफरेंट, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाइए। क्यारा है? अच्छा, ये क्यारी है, ये क्यारा है, ये अच्छा बीज है, आपकी इसकी टाइमिंग अच्छी है। अच्छा, हाँ इसका स्कैन मजबूत है। अच्छा, ये आपको आराम से इस्लामाबाद भी आप पहुंचा सकते हैं, पिंडी भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो मेरे भी क्यारा है, ये भी क्यारा है, उससे थोड़ा अच्छा क्यारा है। अच्छा, हाँ टमाटर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, शानदार है। तो वैसे क्या हिसाब चल रहा है पर वैसे बाहर से क्या हिसाब चल रहा है कराची में, दूसरे इलाकों में? आपके तो किलो के हिसाब से बिकता है कराची में, जैसे दूसरे इलाकों में हमारे यहाँ आज क्या चल रहा है रेट? आज तो अभी इसका कोई रेट नहीं है फिलहाल, ये बहुत सस्ते हैं। अभी क्योंकि मैं अभी अंदरूनी सिंध से ही आ रहा हूँ, तो वहाँ पे 10 रुपये किलो के हिसाब से मतलब ऐसे ही ना जी? हम 65 किलो लेते हैं, 300 से लेकर 500 तक। 300-500? ठीक है जी, इस बीच में। अच्छा, ये लग ये भी एक आज आगे चलते हैं यही चीज़। अच्छा, ये लाल लग रहे हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा इसको हम इस वजह से उधर रख रहे हैं, धूप में नहीं रख रहे हैं। अच्छा, हाँ ये इसको फिर हमने करीब ही बेचना है, कोई शक्कर वगैरह नवाबशाह इधर करीब करीब, ये दूर का पहुँच नहीं दे सकते क्योंकि ये लाल है। ये 17 किलो की बेटी है, तकरीबन 17 किलो जी। ठीक है, आगे चले। अच्छा, ये दिखाइएगा, ये थोड़े से मैं पहुँच सकना, थोड़ा नीचे करके दिखा देना।
अच्छा दोस्तों, ये तकरीबन 65 किलो है, ये लोग डील करते हैं तकरीबन 300 से लेकर 500 रुपये तक के ये लोग परचेज़ करते हैं, फिर आगे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलें। आगे तो कुछ नहीं, साइड पे तो कुछ नहीं, ये फेट ही बन रहे हैं। ये दिखाइए अपना दोस्त, पैकिंग दिखाइए इनकी कैसे हो रही है, दिखाएँ यहाँ से कैमरा में, थोड़ा ये सामने दिखाइएगा, पैक कर रहे हैं, कैसे पैक कर रहे हैं आप लोग? बंद आप लगाओ अपना काम, उसको लॉक लगाओ। उसके बाद अगर आगे दूसरी रस्सी वहाँ पे आगे चलेगी। हाँ चले आगे, चले ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अच्छा ये दोस्तों, ये थोड़ी अलग क्वालिटी के हैं, ये सिर्फ केचप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि टमाटो केचप वगैरह यूज़ होते हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये ज़्यादा पक जाने की वजह से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे जिसके हम चाटी करते हैं उसमें अगर कोई नरम दाना हो तो ये हम निकाल के फिर केचप में इस्तेमाल करते हैं। जी ये कोई भरने के खाते हैं, वो भी सब केचप के लिए है, उसमें अभी चाटी होगा, जो कचरा है वो कचरे में जाएगा, अच्छा अच्छा दाना है वो केचप। ठीक है, आगे आगे मशीन चलते, आइए आइए दोस्तों। ये देख रहे जैसे ये पेटी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे पेटी बनने के बाद आगे जाएंगे, आइए आगे दिखा दें, देखा ये प्रोसेस देखें। अच्छा ये पेटी बन रही है अभी यहाँ पे, अच्छा सारा प्रोसेस यहाँ से पूरा पेटी के साथ बिल्कुल आगे तक जाता प्रोसेस। ठीक है, सर खुला टमाटर रहते हैं, बाकी सब कुछ प्रोसेस यहाँ से होके। अच्छा खान साहब, जैसे कि ये सुजुकी आई हुई है पूरी, इसको आप कांटे में जाके इसको वेट करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप वही बोली में डाल देते हैं इसको? नहीं बोली में नहीं होते, ये वैसे होते हैं डिमांड के, ठीक है, नहीं हमें 500 की ज़रूरत है, ठीक है, अच्छा तो हम उस हिसाब से लेंगे। कांटे पे कड़ी होते हैं 200-300 सूजी के होते हैं, ठीक है, अच्छा वहाँ जाते हैं जो जिसको ज़रूरत है वो हिसाब से, जो मार्केट होते हैं उस हिसाब से लेते हैं। अभी कितने किलो इसके वेट कितना है? इसमें तकरीबन आता है 1500 किलो 1600 किलो, ठीक है, अच्छा हाँ इतने किलो के। तो ये बोली में जाता है? ये बोली में, इधर आके फिर हम इसे पेटी बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे भाई। ठीक है आशिम भाई, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं किसी और, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।